मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अरे मलिया मेरी बात तो सुनो, मैं पापा से बात करूंगा, क्यों गुस्सा कर रही हो? क्या बात करोगे तुम पापा से? तुम बात कर चुके हो ना उनसे, और तुमने जवाब भी सुन लिया था। फाहत, मैं तुम्हें पहले दिन से ही कह रही थी कि ये नाजिया इस घर में कोई खेल खेल रही है, लेकिन तुमने मेरी बात का एतबार नहीं किया। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। यार उस बेचारी को क्यों बीच में लेके आ रही हो, इसमें उसका क्या कसूर है? अच्छा वो बेचारी है तो फिर तुम्हारे पापा इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने अचानक ये रिश्ता क्यों तोड़ा? तुम्हें पता है वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि यही सच है। अच्छा जो भी है ना, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम प्लीज बैठो यहाँ पे आराम से। मैं इस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी, और ऐसे घर में तो बिल्कुल भी नहीं जहां मेरी बहन के साथ ये सलूक किया गया। किसी लड़की की ऐन वक्त पे शादी टूटना पता है कितनी बड़ी बात है फाहद, लेकिन ये तुम और तुम्हारे पापा तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा को रिश्तों से खेलने की आदत है। अच्छा बस करो, तुम मेरे पापा के बारे में बात कर रही हो, मैं इससे ज्यादा और नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं ऐसे ही बात करूंगी फाहद, तुम्हारे पापा को मैंने अपने बाप का दर्जा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया मेरे साथ, मेरी बहन के साथ? तुम सोचो मैं जाके अपनी मां को क्या जवाब दूंगी कि उन्होंने रिश्ते से क्यों इनकार किया है? बताओ बताओ मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगी? हाँ सुनिया, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? मलिया तुम कहां जा रही हो, ये तुम्हारा घर है। मैं पापा नहीं हूं, और मेरे साथ ये दाव खेलने की कोशिश भी मत करना। तुम तो दिल से ही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, ताकि इस पूरे घर पर तुम राज कर सको, है ना? मलिया तुम गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। तुम अगर चाहती हो मैं इस घर से चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन प्लीज तुम फाहद को छोड़ के मत जाओ, ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अच्छा तुम वाकई चाहती हो कि मैं इस घर से ना जाऊं, तो ठीक है तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो फाहद, यानी कि तुम इस घर में मेरी मोहब्बत की वजह से नहीं रहना चाहती, बल्कि एक शर्त पे रहना चाहती हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ फाहद, इस घर में या तो ये लड़की रहेगी या फिर मैं। फैसला तुम्हें करना है, मैं अपना सामान पैक कर लूँ।